समय के साथ ही शहर में अब चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने वार्ड क्रमांक 24 के बीजेपी प्रत्याशी जीतू यादव के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। विजयवर्गीय ने कहा, जीतू को जिताओ और कैलाश रमेश को मुफ्त पाओ। भारत माता की जय। जो भी जन सुविधाएं लोगों तक पहुंचना चाहिए वो हर हाल में पहुंचे। पूरे 100% लोगों के काम में करके दिखाऊंगा। आप सब लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पे बने रहेगा। कुछ ही समय पहले मील क्षेत्र में पुल के शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भट्टे का नाम बदलकर कुलकर्णी नगर कर दिया था। ठीक उसी के सामने भाजपा पार्षद प्रत्याशी जीतू यादव के चुनाव का दफ्तर बनाया गया है। चुनाव कार्यालय का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने किया। इस अवसर पर इलाके में किए गए विकास के काम दिखाने के लिए कार्यालय के बाहर एक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। इससे पहले यहां से यादव परिवार की प्रिया यादव भी पार्षद रह चुकी है। उनके रहते ही क्षेत्र में पानी की टंकी, बगीचा और पुल की सौगात मिली थी। इसके साथ ही कोरोना काल में भी यादव और उनका परिवार मैदान में डटा हुआ था। विजयवर्गीय ने क्षेत्र के लोगों से पूछा, आप ही बताएं मुसीबत के समय कौन आपके साथ खड़ा था और कौन मैदान छोड़ चुका था। तो वही जीतू यादव के लिए इस पर बोलने वालों के पास बहुत कुछ था। मंच से 21वीं सदी के कुलकर्णी नगर के साथ ही सुभाष नगर, सर्वहारा नगर और शंकर के बगीचे में बदलाव की बात भी कही गई। जीतू ने अपने उद्बोधन में कहा कि 100 में से 5 या 10 काम ही ऐसे रहे होंगे जो मैं नहीं कर सका, लेकिन इस बार मौका मिलेगा तो बचे हुए सारे काम करवाऊंगा। इसके साथ ही वार्ड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व कॉलेज बनाने की बात भी कही है। कार्यालय का शुभारंभ करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक रमेश मेंडोला सबके बाद यहाँ पहुंचे, लेकिन भीड़ तब भी यहाँ पर मौजूद थी। मेरा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का यह प्रयास रहा है कि जो भी हितग्राही लोग यहाँ मौजूद हैं या पूरे वार्ड में मौजूद हैं, उन सबको जो भी सरकारी सुविधाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू है, वो सब सुविधाओं का लाभ आप सब लोगों को मिले। पूरे 100% लोगों के काम में करके दिखाऊंगा। आप सब लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पर बने रहेगा। तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि बच्चों के लिए खेलने का एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वार्ड क्रमांक 24 में बनना चाहिए ना। हमारे युवा साथी और बहने कॉलेज के लिए आसपास बड़ी दूर जाना पड़ता है उनको, तो एक कॉलेज भी हमारे वार्ड में खुले जिससे युवा साथी और हमारी बहने उसमें जाए और जाकर पूरे इंदौर में नहीं, भारत में नहीं, आउट ऑफ इंडिया में जाके हमारे वार्ड का नाम रोशन करे, ऐसी हम आशा रखते हैं। इसलिए कॉलेज का निर्माण भी एक आपके वार्ड में किया जाएगा। हम एक हॉस्पिटल आपके लिए, जिसकी मंजूरी भी हो गई है, हॉस्पिटल की तो मंजूरी भी कमिश्नर मेडल ने हमें दे चुकी है, वो तो आचार संहिता का समय है, नहीं तो हम उसकी भूमि पूजन करके उसका काम भी चालू कर देते हैं। तो ऐसा एक बहुत बड़ा काम जो अस्पताल के रूप में आप सब लोगों को मिलने वाला है, एक बड़ा ही हॉस्पिटल, कम से कम 10 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल आप सब लोगों के वार्ड में होगा, वो भी सरकारी हॉस्पिटल जिसका निःशुल्क फायदा हमारे वार्ड का प्रत्येक नागरिक ले, ऐसी सुविधाएं हम सब लोग आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हाँ हुए ना, बहुत अच्छे काम हुए हमारे क्षेत्र जीतू भैया ने। हाँ हाँ चुनाव लड़ रहे, नहीं करवाए पूरे काम, अच्छा काम करा, बिल्कुल संतुष्ट है बेटा, हम बहुत संतुष्ट है, बहुत अच्छे काम करे हमने। 5 साल आपके
क्षेत्र के बीच में रहे, सूरत की पहली आ रहे हैं हम। हाँ, काम किया, बहुत अच्छा काम किया। बोरिंग देखो, चार नंबर गली में हमारे सरवारा नगर में पानी नहीं आता था, तो बोरिंग भी करवाया और पानी भी अच्छा आने लग गया। कंटोर का राशन नहीं मिलता था, तो वो राशन भी सब मिलने लग गया। मैं यही रहती हूँ, नई बस्ती में। नई बस्ती में कितने समय से रह रही हैं? हम तो बहुत समय हो गया, 15-20 साल हो गया। उनका कार्यकाल कैसा था? उनका भी अच्छा था, उसमें भी भैया हर समय खड़े रहते थे हमारे साथ ऐसा। हाँ हाँ, बढ़िया। पानी नर्मदा का पानी भी चालू हो गया है, सड़क बन गई है, जब भी जरा सा भी। हाँ, हम उन्हीं को वोट देंगे, क्योंकि वो नहीं देना है, क्योंकि वो हर समय हम जरा सा भी फोन लगाएंगे, ये आते हैं तो आ जाते हैं। हम गुलकंडी के भट्टे पे रहते हैं, जिसे आप बचपन से ही पूरे मध्य प्रदेश में आई। क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति? पहले स्थिति ये थी कि वैसे तो बाढ़ हमेशा से बीजेपी का ही रहा है, काफी पार्षदों ने कार्य किया है, पर जीतू भैया ने जिस तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ाया है, तो यही कहेंगे कि चहुमुखी विकास किया है। काफी समय से काफी सारे पार्षद देखे हमने, पर जो विकास भैया ने किया है वो अभी निरंतर चल रहा है, और हम बिल्कुल बहुत संतुष्ट हैं, बिल्कुल। इसलिए हमने भैया को ही उम्मीदवार बनाया। नहीं, हम ऐसी पार्टी का कभी समर्थन नहीं करेंगे जो हमसे ये पूछते हैं कि श्री राम कौन थे, और हम हमारे आराध्य को इतना अपमानित नहीं होने दे सकते। हमारे बीच वार्ड क्रमांक 24 के भाजपा से प्रत्याशी जी हाँ जीतू यादव मौजूद है, उनके कार्यालय का ओपनिंग हुआ आज। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जनता की नब्ज को टटोलने में वे कितने कामयाब हो रहे हैं। पहले तो बताइए जीतू यादव, काफी जनता मौजूद है यहाँ पर, शहर के विकास के लिए और मतदान में तब्दील होना, शहर के विकास की नया गाथा लिखने के लिए। देखिए, ये जनता ही मेरा परिवार है, ये जो जितने लोग मेरा वार्ड मेरा परिवार है, तो सारे लोग मेरे वार्ड के परिवार जन है जो यहाँ मौजूद हैं, जो मुझे आशीर्वाद देने आए हैं मेरे कार्यालय के ओपनिंग में आए। आगे भी आशीर्वाद इनका हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर मिलता रहा है। आगे भी मुझे आशा रखता हूँ कि आगे भी इनका प्रेम, इनका भाव, इनका आशीर्वाद हम मुझ पर और भारतीय जनता पार्टी बने रहेगा। देखिए, चुनौतीपूर्ण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के यहीं से विधायक है रमेश मेंदोला जी, उनके नेतृत्व में उनसे कामों की मंजूरी ले लेके जहाँ जहाँ फोन लगवाना था उनका फोन लगवा के काम कराते गए, और डेवलपमेंट एक ऐसा करा जो आज सुबह सुंदर दिखने लगा। आगे भी इसी तरह अपना कार्य जारी रहेगा। आप तो इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता है, लेकिन पुष्यमित्र भार्गव जो मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, आपके क्षेत्र की जनता उन्हें जानती नहीं है, तो कैसे उन तक मैसेज पहुँचाएंगे की पुष्यमित्र भार्गव को वोटिंग करना है? देखिए, बात पुष्पमित्र भार्गव जी की नहीं है, यहाँ बात विधायक रमेश मेंदोला जी की। रमेश मेंदोला जी सबको जानते, और यहाँ की प्रत्येक जनता भारतीय जनता पार्टी को जानती, कमल के फूल के निशान को जानती। हमारी पार्टी में नेता विशेष नहीं है, हमारा नेता कमल का फूल है, भली वो कोई भी हो, भली या मैं हूँ या रमेश जी हो या विधायक पुष्पमित्र भार्गव जी हो। संजय शुक्ला, क्या लगता है कोई चुनौती रहेंगे पुष्पमित्र भार्गव के सामने मेयर पद के लिए? देखिए, कांग्रेस के पास ना कोई नीति है ना कोई रणनीति बनाई है। संजय शुक्ला एक व्यक्तिगत अच्छे आदमी है, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य लोगों तक, इंदौर को पूरे देश में आज अपन देखेंगे, हम अपने आप में अपने आप को गौरवान्वित और बड़े सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहां देखिए गंदगी का कितना अंबार लगा रहता है, और अपना इंदौर देखिए स्वच्छता में पूरे इंदौर में नहीं पूरा भारत में नंबर वन, तो कहीं ना कहीं उस बात का भी बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि हमने काम करा है लोगों के बीच हमारी बात रखने के लिए, हमें मुद्दे हैं कि हमने काम करके दिखाया, और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा सबका साथ सबका विकास, और हमने विकास किया है, उस विकास के एजेंडे को लेकर हम लोगों तक अपनी बात रखेंगे। व्यक्तिगत लोकप्रियता बहुत मायने रखती है, जैसे हम देख पा रहे हैं कि आपकी व्यक्तिगत लोकप्रियता के चलते भी यहाँ पर लोग आए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हम मानते ही है कि संगठन से जुड़े हुए लोग कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, परंतु आपकी स्वयं की एक व्यक्तिगत जैसे लोकप्रियता है, ठीक वैसे ही इंदौर की जनता संजय शुक्ला को व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे से जानती है। वही अगर पुष्पमित्र भार्गव की बात की जाए तो उन्हें लोग अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है उनकी लोकप्रियता उनकी विधानसभा में होगी, मुझे तो नहीं लगता है उनकी कोई लोकप्रियता होगी, क्योंकि पिछले दो दिन पहले ही उनका जनसंपर्क हमारे वार्ड में था, 10 मिनट में उनका जनसंपर्क खत्म हो गया, वो लोगों के पास आया, हाथ जोड़ते रहे ये वो, और 25 तारीख को हमारे आदरणीय पुष्पित भार्गव जी का जनसंपर्क है हमारे वार्ड में, उसी से पता लग जाएगा कि कौन लोकप्रिय है और कौन लोकप्रिय नहीं है। क्या लगता है इतिहास रचेंगे आप इस क्षेत्र से, इंदौर में सर्वाधिक मतों से चुनाव जीतने में होंगे कामयाब?
देखिए ये तो अब जनता क्या चुनती है, जनता का आशीर्वाद किस रूप में मुझे मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा, पर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पुष्पमित्र भार्गव संजय शुक्ला के सामने जरूर इतिहास रचेंगे। क्या वास्तव में पुष्पमित्र भार्गव इतिहास रचने में होते हैं कामयाब? क्या फिर से नगर निगम में लौटती है भाजपा की सरकार? क्या वार्ड क्रमांक 24 की जनता जीतू यादव के नाम पर मोहर लगाती है? क्या होगा राजनीतिक भविष्य, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन टोनी के साथ प्रियंका पांडे, N9 TV इंदौर।